दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष की कमान अब वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा संभालेंगे। गौरतलब है कि दुर्ग जिले में लगातार गुटबाजी चरम पर थी। ऐसे में भाजपा के लोकसभा सांसद विजय बघेल और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दोनों ही अपने अपने चहेतों को दुर्ग जिला भाजपा की कमान सौंपना चाहते थे। लंबे समय से इसी कारण यहाँ पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। वहीं इसे लेकर विवाद की स्थिति भी बनी हुई थी और एक तरह से संगठन बेलगाम सा हो गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संगठन ने पाटन निवासी भाजपा नेता जितेंद्र वर्मा को जिले की कमान सौंपी है, ताकि संगठन में सामंजस्य बना रहे। यह हम आपको बता दें कि जितेंद्र वर्मा पिछले 8 वर्षों से भाजपा विधायक दल के स्थायी सचिव हैं। सीधे जितेंद्र वर्मा को जिले की कमान सौंपने के बाद संगठन ने कई मैसेज दिए हैं। इसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब कोई खेमेबाजी नहीं चलेगी और एकजुटता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर लंबे समय से अमेरिका में हैं। उन्होंने अपने निजी कारणों से जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से जिला अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था और इस पद को लेकर ही सरोज पांडे और सांसद विजय बघेल अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन संगठन ने दोनों ही नेताओं की नहीं मानी और सीधे अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष बैठा दिया। देखना होगा, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कई समीकरण बदलने की उम्मीद की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।